अगे वधांगे सियासत दे वल रुख करदे आं तां कि गिद्दड़बाहा दी जिमनी चोण लड़ सकते ने सुखबीर बादल। जी हाँ, न्यूज 18 ते अकाली आगू दलजीत सिंह चीमा दा यह बयान आया है कि लोगों की इच्छा है कि सुखबीर बादल चोण लड़न और इस बारे पार्टी फैसला करेगी। उन्होंने कहा है आने वाले दिनों दे विच इसते फैसला लिया जाएगा। सो दस्सिए कि गिद्दड़बाहा दे विच बिल्कुल जिस तरीके दे नाल डिंपी ढिल्लो एक्टिव सन पिछले समय च श्रोमणी अकाली दल तो अलविदा कह के पार्टी नूं आम आदमी पार्टी च शामिल होंदे ने एक वड्डा चेहरा। हालांकि उन्होंने वालों सीधे तौर पर इल्जाम लाए गए कि जिहड़ी गंढ धुप है वह चल रही है अंदर खाते श्रोमणी अकाली दल या कह लिए कि सुखबीर बादल और मनप्रीत बादल दे विच। इस तों बाद किहड़ा चेहरा श्रोमणी अकाली दल का हुण अगे आएगा या कौन चोण लड़ेगा, इस सवाल सब दे मनां दे विच है। अजय दे विच दलजीत चीमारा का कहना है कि लोगों की इच्छा है कि सुखबीर बादल खुद चोण मैदान दे विच उतरन। गिद्दड़बाहा तो सुखबीर सिंह बादल कैंडिडेट होंगे? नहीं, ये तो देखो पार्टी बैठ के फैसला करेगी। अजय इलेक्शन अनाउंस नहीं हुई, जो दूजा इलेक्शन मीटिंग की चर्चा भी हुई कई सारे असि फीडबैक ला रहे हैं, लोगों की मांग है उसे कोई शक नहीं कि सारा इलाका कह रहा है कि अभी लड़ो, क्योंकि पुराना सदा प्रकाश सिंह बादल का अपना हल्का रहा। लोगों की मांग जरूर है, लेकिन करना की है पार्टी बैठ के लगता है पार्टी मजबूती मिलेगी सुखबीर बादल लड़े? नहीं, देखो लोगों की इच्छा है, क्योंकि सारे इलाके के वर्कर जिन्हें मैनू भी मिले, बाकी लीडर भी मिलते हैं, लगातार असं रबते होंगे, सारे की इच्छा है कि आप लड़न, पर हम करना की है ये पार्टी बैठ के फैसला करती है। नामजदगियां रद्द होने हाई कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आया है। हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणियां कीतियां ने, चोन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए है यह कोर्ट ने कहा है। लोगों के विश्वास के लिए पारदर्शी प्रक्रिया जरूरी है, वोट देना संविधानिक ही नहीं कानूनी अधिकार भी है। कुछ उम्मीदवारों की मामूली कारना करके नामजदगी रद्द हुई है, मामूली कारना करके नामजदगी रद्द करना गलत है हाई कोर्ट ने कहा। तो नामजदगियां रद्द करके एक जेतु करार देना लोकतंत्र का कतल है, चाहे एक ही उम्मीदवार मैदान दे विच होवे, नोटा दे नाल बदल है तो चोन लड़ी जा सकती है, चोन होनी चाहिए है। बुधवार को 206 पंचायतों की चोणों ते दस्सिए कि कोर्ट ने रोक लाई थी और 16 अक्टूबर तक ये रोक लगाई गई।